आज हम जानेंगे कोलेस्ट्रॉल लेवल के बारे में। बहुत बार लोग अपना फुल बॉडी चेकअप करते हैं तो उसमें ये पाते हैं कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है। तो ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक लिमिट तक अपने बॉडी के लिए फायदेमंद है, बट अगर एक लिमिट क्रॉस करता है तो एक हार्ट के ब्लॉकेजेस के लिए कारण हो सकता है और उसके वजह से मेजर बीमारी जैसे कि हार्ट अटैक हो सकती है। तो कोलेस्ट्रॉल के बहुत सब टाइप्स हैं, उसमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट्स बताना चाहूँगा। जैसे कि टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये बॉडी का सब कोलेस्ट्रॉल मिला के टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल आती है, जो कि नॉर्मली 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। उसके बाद आता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल, जिसको कि हम गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कहते हैं, जो कि हमारे शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल निकालने के लिए मदद करता है। उसकी लेवल हमारे शरीर में 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद आता है बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल, जिसको कि हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लॉकेजेस के लिए कारणीभूत होता है। इसकी लेवल हमारे शरीर में 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। उसके बाद आता है ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, ये भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। इसकी नॉर्मल लेवल हमारे शरीर में 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए।